2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण समाप्त कर दिया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है। लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं। टुडे अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन। माय गुड फ्रेंड फ्रॉम दिस साइड एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम दैट साइड, दे हैव एक्सचेंज्ड आर्गुमेंट्स अबाउट रिजर्वेशन, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके। 2006 में कहां कहां ये सब लीक हुए थे देखिए। 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका पीयूसी परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरमैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पेपर लीक आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, 34 वर्ष बीत गए, यहां युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, युवा सांसद है यहां, कितने युवा सांसद है देखिए, इनसे पूछिए आप, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था, हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है, नई शिक्षा नीति।